जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु को प्रभु क्यों कहते हैं, प्रभु का क्या अर्थ है, वो आज बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की जय। देखिए, भगवान विष्णु के अनेकों नाम हैं, प्रभु हमारे पालनहार हैं। तो अब ये नाम प्रभु क्यों कहते हैं भगवान विष्णु का, या प्रभु का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए, पहला अर्थ है प्रभु का कि इस ब्रह्मांड के रचयिता व उत्पन्न करने वाले। दूसरा अर्थ है पंच तत्व के निर्माता। तीसरा अर्थ है सब जीवों के पालनहार। और चौथा अर्थ है सर्वशक्तिमान। तो ये चीज़ भगवान विष्णु पर बिल्कुल सही उतरती है। क्यों? भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के रचयिता और उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए प्रभु हैं। भगवान विष्णु पंच तत्व के निर्माता हैं, इसलिए प्रभु हैं। भगवान विष्णु सब जीवों के पालनहार हैं, इसलिए प्रभु हैं। और भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए प्रभु हैं। तो ये चार कारण हैं, इसलिए भगवान विष्णु को प्रभु कहा जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रभु का अर्थ क्या है और भगवान विष्णु को प्रभु क्यों कहते हैं। अब इनका एक मंत्र भी है इस नाम का, वह मंत्र है ओम प्रभवे नमः। ओम प्रभवे नमः, प्रभ व में एक ही मात्रा, ओम प्रभवे नमः। कैसे पढ़ेंगे? ओम प्रभवे नमः, ओम प्रभवे नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र पढ़िएगा। और ये मंत्र जब पढ़िएगा तो पीला वस्त्र धारण करिए, कोई पीला आसन पे बैठ जाइएगा और कोशिश करिएगा कि घी का दिया जला लें और साथ में भगवान विष्णु गणेश का नाम जरूर लीजिएगा मंत्र शुरू करने से पहले, और धूप बत्ती जरूर जलाइए जिससे वातावरण सुगंधित हो जाए। तो इस प्रकार से आप ये मंत्र पढ़िएगा भगवान विष्णु का। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ में आया होगा कि भगवान विष्णु का एक नाम प्रभु क्यों पड़ा। तो चले अब हमें आज्ञा दें, एक विनती है, सब्सक्राइब अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और लोगों को बताइएगा कि प्रभु का अर्थ क्या होता है, भगवान विष्णु को प्रभु क्यों कहते हैं। तो चलें आज्ञा दें, अब हमें आज्ञा दें। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय भगवान विष्णु।